नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। अभी अभी औरैया से हमारे संवाददाता गौरव सिंह ने वहां के एसीपी का एक संदेश भेजा है। यह संदेश बिल्कुल साफ है और शायद लॉकडाउन में ऐसे ही संदेश हमें समझ में आएंगे, उनको समझ में आएंगे जिनको ज़्यादा बाहर निकलने की पड़ी है इस लॉकडाउन और कोरोना के डर को मात देने का, जिनको वहम है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ऐसी क्या कयामत है जो कोरोना के डर से लोग कैद हैं, पूरी की पूरी दुनिया ठप है, सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को भूल लोगों को बचाने में लगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी 24 घंटे अपने पिता की अंत्येष्टि में गए बगैर आपकी सुध-बुध के लिए, कोरोना से आपकी रक्षा के लिए लगे पड़े हैं। उनको कोई शौक नहीं है कि वो अपने पुत्र धर्म को भुला दें। वो सन्यासी योगी जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप सब उनके सर पर चढ़कर बवाल मचाएं और हंगामा करें। जैसे मंदिर बंद है, गिरजाघर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, वैसे मस्जिद भी बंद हैं। यहाँ कोई मजहब की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना मजहब देख करके नहीं पकड़ता। और शायद एसीपी का यह संदेश कि ऊपर किसी ने विभाग नहीं बांटा है, बिल्कुल साफ सुथरा है। सुनिए, उन्हीं का संदेश ज्यादा मजेदार और ज्यादा साफ सुथरा है। लेकिन मुझे और लोगों की जिंदगी बचानी है, समझ गए ना? लॉकडाउन है मतलब लॉकडाउन है। मैं घूम रहा था कल मंदिर पे, एक आदमी आए थे पूजा करने के लिए, मैंने उनको डांटा, पुजारी को भी डांटा। पुजारी ने कहा कि मैं नहीं बुलाया था, ये गलती से आ गए हैं। जब हर चीज प्रतिबंधित है तो ये क्यों नहीं प्रतिबंधित होगा? क्यों नहीं समझ में आता ये आती है ये बातें? जिंदगी की जद्दोजहद पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हर बात की जीत, ऐसा क्यों होगा? सारी परंपराएं, विवाह से लेकर के सारी चीजें, सब परिवर्तित हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया, बदल दिया। कोरोना ने पूरी जिंदगी बदल दिया, पूरा वर्ल्ड दहशत में है, लेकिन हम नहीं साहब, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमारे यहां तो ये होता है, ये नहीं चलने वाला। क्या फर्क है आपके और मेरे बनावट में? क्या फर्क है? कुछ फर्क? आंख, नाक, कान, हाथ, पैर में कोई फर्क है बता दीजिए, कुछ है बताइए, कुछ है फर्क? किसने किया है फर्क? हमने किया है, उसने कुछ नहीं किया है। ऊपर विभाग का बंटवारा होगा कि ये खुदा मुस्लिम को देखेंगे, ये भगवान हिंदू को देखेंगे? विभाग का बंटवारा तो होगा वहां पे। किसने किया है ये? हमने किया है विभाग का बंटवारा। आप लोग बताइए, ऊपर बैठे होंगे, वो विभाग का बंटवारा होगा वहां पे? विभाग बटा होगा, कैबिनेट बटा होगा वहां पे? किसने किया ये भेद? हमने किया है। और हर चीज में नहीं, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। कोरोना से बड़ा और कुछ नहीं है हमारे लिए। जिंदगी बचानी है, जिसको अपनी दांव पे लगानी है लगा ले, लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ नहीं लग रही है, आपके कारण अड़ोस पड़ोस की भी जिंदगी दांव पे लग रही है। हम आपको सारी सुविधा देने को तैयार हैं, आपके स्वास्थ्य की सुविधा, आपके भोजन की सुविधा, आपके रहने में कोई दिक्कत हो वो सुविधा, सारी सुविधा देने को तैयार है, लेकिन इसके साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे ये तय हो गया कि शहरी के समय आप आवाज लगाएंगे, एक घंटे में जो तीन बार, वो तीन बार है, और आवाज कम डेसिबल की रहेगी, जो 10 डेसिबल जो सीओ साहब ने तय किया है, और नमाज के लिए 3 व्यक्त, और एक दिन जुमे के दिन 4 व्यक्त। ये तय हो गया है, अब इसके सिवा अब इसमें किसी तरह की कोई वाद विवाद या संशोधन की आवश्यकता नहीं। अब बातें सिर्फ वो होंगी कि किसी को कोई कठिनाई हो, किसी को रोटी ना मिल रहा हो, हम रोटी देंगे, किसी को कुछ भी चाहिए सब देंगे, लेकिन बस हमारा साथ दीजिए, बस यही आपसे अपेक्षा है। और जिसने इसका उल्लंघन किया तो फिर हम ठोक के कार्रवाई करेंगे, जिस किसी ने भी इसका पालन नहीं किया तो फिर कार्रवाई बिल्कुल होगी ठोकर। आप सब यहाँ आए, सब सम्मानित लोग हैं, ये मुझे पता है कि आप भली बात वाकिफ हैं कि इसमें क्या अपेक्षित है क्या नहीं अपेक्षित है। जो हमारी जो बात थी वो हमने बता दिया, इसका आपको पालन करना है, और मैं अनुरोध करता हूँ एडीएम साहब से कि इस अवसर पर अपनी बात रखें।